गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, कि कम्युनिकेशन विदाउट द यूज़ ऑफ वर्ड्स इन विच मैसेज इज ट्रांसमिटेड विदाउट द यूज़ ऑफ वर्ड इज़ नोन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप देखिए, उसके बाद आता है इसके फंक्शंस, कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्या फंक्शंस हैं। तो देखिए, सबसे पहला फंक्शन है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन आइदर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। तो जैसे कि आप भी अवेयर होंगे कि कई बार हम ऐसे मैसेज कन्वे कर जाते हैं जो हमें भी नहीं पता होता कि हमने मैसेज कन्वे किया। कॉन्शियसली मतलब जानबूझकर, अनकॉन्शियसली मतलब अनजाने में, है ना, कि कई बार हम अनजाने में ही आप कोई मैसेज कन्वे कर जाते हैं। जैसे सपोज योर फ्रेंड इज़ सैड, आपकी फ्रेंड सैड है, वो आपको शो नहीं करना चाहती, है ना, वो एक आर्टिफिशियल स्माइल फेस पर लेकर आ रही है, लेकिन आप उसको देख कर समझ जाते हैं कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, है ना। तो इट मीन्स आपने उसने कॉन्शियसली आपको मैसेज करने नहीं किया, उसने तो छुपाने की कोशिश करी लेकिन आपने उसको समझ लिया, है ना। तो इस तरह से हम कई बार इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर जाते हैं जो हम नहीं भी करना चाहते। टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन, अब जैसे मैं बोल रही हूँ, बोलते बोलते बीच में रुक रही हूँ, है ना, तो ये जो बीच में पोज है, जो रुकना है, जिसमें आप हैंड्स की मूवमेंट करते हैं, आईज़ की मूवमेंट करते हैं, फेस की मूवमेंट करते हैं, है ना, ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है, जिसमें हम अपने कन्वर्सेशन की जो स्पीड है, फ्लो मींस स्पीड, उसको रेगुलेट करते हैं, कि उसको कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर बीच में हम रुके नहीं, स्टॉप ना करें, तो हम लगातार बोलते जाएंगे और सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आएगा। एंड इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, है ना, जैसे किसी ने अच्छा काम किया, उसका पीठ थपथपाना, उसको वेरी गुड, मुँह से तो खैर बोलना ही, हाथों से भी बोलना, है ना, उसके सिर पे हाथ रखना, तो ये क्या है, टू एक्सप्रेस इमोशंस। नेक्स्ट है टू क्वालिफाई, कॉम्प्लीमेंट, कॉन्ट्रडिक्ट और एक्सपेंड वर्बल मैसेजेस, कि वर्बल मैसेज को छोटा करना, उसको बढ़ाना, उसमें भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हाथ होता है। जैसे सपोज आपने कुछ कुछ मैसेज देना है वर्बली, तो आप वर्बली तो देते हैं, नॉन वर्बल को भी साथ में आप यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो आपका जो मैसेज है वो बड़ा हो जाता है। कॉन्ट्राडिक्ट करना मतलब छोटा करना, कि आपने टू से यस, यस बोलने की बजाय जस्ट सिर को इस तरह से हिला दिया, टू से नो जस्ट आपने यूँ कर दिया, तो आपने कॉन्ट्राडिक्ट किया, है ना। तो वर्बल मैसेज को छोटा करना, बड़ा करना, या उसकी जगह पर यूज़ करना, है ना, वो जो है वो नॉन वर्बल का काम है। एंड टू इन्फ्लुएंस अदर्स, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ऑब्वियसली बाय गिविंग अ स्माइल, आप स्माइल देते हैं तो सामने वाला इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, है ना, या आप उसकी पीठ थपथपा देते हैं, उसको वेरी गुड भी बोलते हैं, उसके साथ हैंडशेक करते हैं, तो इस तरह से दूसरों को कंट्रोल करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए भी आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए, स्पेसिफिक टास्क को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है। तो दीज आर द बेसिक फंक्शंस। उसके बाद देखिए, इसके एडवांटेज क्या हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, कि क्यों यूज़ होता है। सबसे पहला, ये ज़्यादा रिलायबल है, है ना। वर्बल में आप झूठ बोल सकते हो, वर्बल कम्युनिकेशन में आप किसी को धोखा भी दे सकते हो, है ना, लेकिन जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें धोखा देना पॉसिबल नहीं होता। आप कोशिश तो कर सकते हो बट नहीं हो सकता, है ना, आप छुपा नहीं सकते। जैसे सपोज़ आप, आपने सामने वाले ने कोई काम ऐसा किया जिस पर आप बहुत खुश हो, लेकिन आप शो कर रहे हो कि यू आर सैड, आप दुखी हो, है ना, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके फेस पे एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। बाय वर्ड्स तो आप उसको शो कर देते हो कि आप बहुत दुखी हो, है ना, लेकिन कई बार जो फेस है वो सही पिक्चर प्रेजेंट कर जाता है। जैसे सपोज़ आपका कोई कोई बिजनेसमैन है, उसका कोई एनिमी है, है ना, बिजनेस राइवल है, कोई विरोधी है, कॉम्पिटिटर है, उसके बिजनेस में आग लग जाती है, या सपोज़ उसको कोई नुकसान हो जाता है, तो जो बिजनेसमैन है वो अंदर ही अंदर तो खुश होगा कि उसकी वजह से उसका दूसरे का बिजनेस चल जाएगा, लेकिन वो उस चीज़ को शो नहीं करेगा, है ना। तो लेकिन जब वो उसके घर जाएगा, तो घर जाके वो क्या शो करेगा, कि वो बहुत सैड है, लेकिन कई बार उसका जो फेस है वो बता देता है कि ही इज़ सैड और इज़ हैप्पी। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रिलायबल है एंड एफिशिएंट, कि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि जो रिसीवर है वो, जैसे बताया, कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली मैसेज को समझ लेते हैं। तो यू कैन ट्रांसमिट अ नॉन वर्बल मैसेज विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट, आप सोचते भी नहीं और वो मैसेज कन्वे हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, यू आर अटेंडिंग अ मीटिंग, आप एक मीटिंग अटेंड कर रहे हो विच इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर यू एंड ऑल अदर्स, तो आपको वहाँ बैठना ज़रूरी है, लेकिन आपको कहीं जाना है, आपने कहीं टाइम दिया हुआ है, यू आर वॉचिंग योर वॉच,
आप बार बार अपनी वॉच की तरफ देख रहे हैं, है ना। तो आप बार बार वॉच की तरफ देख रहे हैं तो आप कोई मैसेज कन्वे नहीं कर रहे, अपनी तरफ से नहीं कर रहे कॉन्शियसली, लेकिन अनकॉन्शियसली उसका कोई सामने वाला मीनिंग निकाल लेता है कि यू आर इन हरी, आप जल्दी में हैं, आपको कहीं जाना है ना। तो इस तरीके से आपने अनजाने में कोई मैसेज कन्वे कर दिया। उसके बाद देखिए क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो क्रेडिबिलिटी और लीडरशिप पोटेंशियल को एस्टेब्लिश करता है, कि आप जो है वो मैनेज करना सीख जाते हैं कि अपने बॉस के साथ किस तरह से बिहेव करना है, कौन सी लैंग्वेज आपको बोलनी है, कौन सा फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए, क्या अपीयरेंस होनी चाहिए, है ना। ये भी मतलब जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसके थ्रू आप ज़्यादा सीख सकते हैं। जैसे सपोज आपको इंटरव्यू देने जाना है कहीं पर, तो ऑब्वियसली आपकी जो ड्रेस है वो कैसी होनी चाहिए, फॉर्मल, है ना। आपने किसी पार्टी पर जाना है, किसी मैरिज पर जाना है, तो आपकी ड्रेस कैसी होनी चाहिए, इनफॉर्मल, है ना। जैसे आप गाउन पहनेंगे या लहंगा पहनेंगे या साड़ी पहनेंगे। तो जो क्रेडिबिलिटी है वो किस में है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, कि आप चीज़ों को मैनेज करना सीख जाते हैं। एंड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटीट्यूड, कि आप सामने वाले का जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको रीड करना भी सीख जाते हैं नॉन वर्बल से, है ना। जैसे आपने सपोज सामने वाले पर्सन को कोई काम करने के लिए कहा, उसने रिप्लाई नहीं किया, नो, यस, नो, नो, लेकिन आप उसका फेस एक्सप्रेशन देख कर आप ये देख लेते हैं कि उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसकी इंटेंशन एक्यूरेट है, काम करने वाली है या नहीं है, है ना। तो इस तरीके से ये एडवांटेज हैं कि इस तरीके से आप रिलायबिलिटी, एफिशिएंट, क्रेडिबिलिटी एंड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटीट्यूड उसको समझ सकते हैं। आप देखिए इसमें कुछ कमियाँ भी हैं। कमियाँ क्या हैं नॉन वर्बल में? फर्स्ट वन, लैक ऑफ सीक्रेसी, गोपनीयता का अभाव, कि जो मैसेज आपने एक को कन्वे किया, चाहे अनजाने में किया चाहे जानबूझकर किया, वो दूसरे को भी कर दिया, है ना। तो यहाँ पर आपको छुपा कर नहीं रख सकते। एंड यूज़फुल ऑनली फॉर स्मॉल इन्फॉर्मेशन, स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि अगर आपका मैसेज बड़ा है तो उस बड़े मैसेज के लिए आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए फिर आपको वर्बल ही यूज़ करना पड़ेगा। एंड जो गेस्चर्स है कैन बी मिसअंडरस्टूड, जैसे अगर हम कहें कि फॉर सेइंग यस, आप सिर को इस तरह से हिलाते हैं फ्रॉम अप टू डाउन, है ना। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर इसका मीनिंग नो है, इसका मीनिंग यस है, तो इट मीन्स जो गेस्चर्स हैं वो मिसअंडरस्टैंड भी किए जा सकते हैं। एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर बोथ द पार्टीज़ टू फेस ईच अदर, कि दोनों पार्टीज़ के लिए ज़रूरी है कि वो एक दूसरे को देख रहे हों, तभी आप इमोशंस को समझ पाओगे। तो प्रेजेंस दोनों की ज़रूरी है। लैक ऑफ रिटर्न प्रूफ, जिसमें कोई रिटर्न प्रूफ नहीं होता कि सामने वाले ने आपको कुछ कहा। और मोर डिफ़िकल्ट टू स्टडी, इसको पढ़ना, इसको सीखना मुश्किल है। अगर आप वहाँ पर रह रहे हैं उसी एटमोसफियर में तो आप सीख जाते हैं, लेकिन अगर आप जैसे अमेरिका में जाएँ, पाकिस्तान में जाएँ या ऑस्ट्रेलिया में जाएँ, तो वहाँ के जो गेस्टर्स हैं वो आपकी उसके आपके उसके लिए कोई बुक नहीं होगी जिसको आपकी स्टडी कर सकें। एंड इट फेल्स टू डिस्कस पास्ट इवेंट्स, कि जो पिछले इवेंट्स हैं उनको डिस्कस करना नॉन वर्बल में मुश्किल है। तो ये था नॉन वर्बल, इसका हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे वैसे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? यूज़ ऑफ सिम्बल्स, है ना। यूज़ ऑफ सिम्बल्स की बजाय, यूज़ ऑफ सिम्बल्स तो हैं ही, दैट जनरली इन्वॉल्व लैंग्वेज, है ना, कि आप जिसका यूनिवर्सल मीनिंग सभी के लिए एक जैसा है। जैसे नॉन वर्बल में तो ये है कि किसी के लिए उसका मीनिंग कुछ है, किसी के लिए कुछ है, लेकिन वर्बल जो कम्युनिकेशन है उसमें वो सिम्बल्स यूज़ होते हैं, वो लैंग्वेज यूज़ होती है जिसके जनरली सभी के लिए एक जैसा मीनिंग है। और वी कैन से वर्बल कम्युनिकेशन इज़ अ कम्युनिकेशन इन विच मैसेज इज ट्रांसमिटेड विद द यूज़ ऑफ वर्ड्स, जिसमें वर्ड्स को यूज़ किया जाता है, वेदर ओरल और रिटन। तो देखिए ओरल कम्युनिकेशन जो पहले भी आ चुका है कि विच इज़ ट्रांसमिटेड इन स्पोकन फॉर्म, कि ऐसा मैसेज जो स्पोकन फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है। और वी कैन से एनीथिंग पर्टेनिंग टू माउथ, कि मुँह से कुछ भी निकला हुआ उसको हम क्या कहते हैं, ओरल कम्युनिकेशन, है ना। वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन वर्बल का पार्ट है। तो जो ओरल कम्युनिकेशन है उसमें उसके क्या एडवांटेज हैं वो देखो। सबसे पहले क्विकनेस, जैसे बताया था विद इन सेकेंड्स आप जो है मैसेज कन्वे कर देते हैं। आपने कुछ कहा, मैंने साथ के साथ समझ लिया और साथ के साथ आपको क्या दे दिया, फीडबैक भी दे दिया, है ना। इसी तरीके से फ्लैक्सिबिलिटी, कि जो ओरल कम्युनिकेशन है उसमें फ्लैक्सिबिलिटी होती है। आपने सामने वाले को मैसेज दिया, उसको लगा कि उसने तो समझा ही नहीं, है ना, तो या उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो साथ के साथ आप अपने मैसेज को चेंज कर सकते हैं। इकोनॉमिक सस्ता साधन है, है ना, ना कोई कोरियर का खर्चा, ना कोई किसी और चीज़ का, तो बहुत बहुत सस्ता साधन है जिससे कि
आप मैसेज जो है वो अर्ली बता सकते हैं। पर्सनल टच होता है कि जो जो भी मैसेज आप दे रहे हैं सामने से, रिटर्न में आप दें तो हो सकता है सामने वाला रिफ्यूज़ कर दे, बट अगर आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो फिर म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होता है। सामने वाला अगर कुछ कह रहा है तो उसकी बात को आप मना नहीं कर सकते अगर आप उसके पर विश्वास रखते हैं। इफ़ेक्टिव सोर्स है क्योंकि कुछ इंप्रेशन छोड़ता है ये रिसीवर के ऊपर, है ना। आप नॉन वर्बल भी साथ यूज़ कर सकते हैं तो फिर जो सामने वाला है वो मोटिवेट हो जाता है उस बात को मानने के लिए। मिसअंडरस्टैंडिंग अगर कोई हो तो साथ के साथ दूर हो जाती है। मोटिवेशन भी पॉसिबल है कि सबॉर्डिनेट्स जो आपके जूनियर्स हैं उनको आप मोटिवेट कर सकते हैं काम करने के लिए, है ना, और इसी तरीके से उनका मोरल भी इम्प्रूव होता है। एफिशिएंसी भी बढ़ती है काम करने को लेकर, कि कोई काम उनको समझ में नहीं आ रहा तो वो पूछ सकते हैं। आप देखिए इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। अनफिट फॉर लेंथी मैसेज, कि अगर कोई मैसेज बहुत लंबा है, है ना, तो उसके लिए फिट नहीं है, क्योंकि अगर लंबा मैसेज है तो रिटर्न में ही देना पड़ेगा। कोई रूल रेगुलेशन की बात है, पॉलिसी की बात है, तो रिटर्न कम्युनिकेशन यूज़ होगा, और ऑब्वियसली रिटर्न प्रूफ इसका नहीं होता। रिटर्न प्रूफ के लिए रिटर्न कम्युनिकेशन चाहिए, और जिन चीज़ों के लिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको रिटर्न प्रूफ की ज़रूरत है वहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन यूज़ नहीं होता। बहुत एक्सपेंसिव मेथड है। अब देखो आपको क्या एडवांटेज में तो आया था कि बहुत इकोनॉमिक सोर्स है, सस्ता साधन है, अभी एक्सपेंसिव कैसे है? तो देखो अगर किसी डिस्टेंट प्लेस पर आपने बात करनी है ओरल कम्युनिकेशन के लिए तो फिर आप क्या करेंगे, आमने सामने तो नहीं है पर्सन, अगर आमने सामने हैं तो वो इकोनॉमिक सोर्स है, सस्ता है। लेकिन अगर एक पर्सन इंडिया में एक पर्सन अमेरिका में है तो ऑब्वियसली आप क्या यूज़ करोगे, या तो फ़ोन पे बात करोगे या मेल करोगे, है ना, या जो है वो फैक्स करोगे। तो ये जो अदर जो डिफरेंट सोर्सेज हैं जो डिस्टेंट प्लेसेस की वजह से यूज़ किए जा रहे हैं वो कॉस्टली हैं, एक लिमिट के बाद वो कॉस्टली हो जाते हैं। लैक ऑफ क्लैरिटी, कि कई बार बातचीत करते हुए आप हेजिटेट करते हैं, पूछ नहीं पाते हैं, है ना, और जो कन्वर्सेशन है उसमें कई बार क्लैरिटी नहीं होती, कि मैंने कुछ कहा आपको समझ में नहीं आया लेकिन आपने शर्मा शर्मी उसको यस कर दिया, तो उसके रिजल्ट्स कैसे होते हैं, नेगेटिव। मिसयूज़ ऑफ टाइम, कि जब ओरल कम्युनिकेट होता है तो ये नहीं है कि सीधा जाते ही आपको काम की बात बोली और उसने करी, है ना, पहले जाके आप उनसे हालचाल पूछेंगे, उनसे पूछेंगे उनकी फैमिली के बारे में, उसके बाद आप बात करेंगे, तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। और ये तो ड्रॉबैक है ही कि प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज आर नेसेसरी, कि दोनों पार्टीज जो है वो प्रेजेंट हो, है ना, तो रिटर्न में ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये था कुछ कि क्या डिसएडवांटेज हैं। वी कैन से ये कहाँ पर यूज़फुल है, कि जहाँ पर इंफॉर्मेशन बहुत छोटी हो, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। वन, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव अ रिटर्न फॉर्म, कि आपको रिटर्न फॉर्म देना पॉसिबल नहीं है, है ना, या कोई मैसेज जो है वो लार्ज ग्रुप ऑफ पर्संस को दिया जाना है, या जो रिसीवर है वो क्या है, इलिटरेट है, अनपढ़ है, तो वहाँ पर ये जो है ओरल कम्युनिकेशन सूटेबल है। अब ये देखो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं ओरल कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है। फेस टू फेस कन्वर्सेशन, बातचीत होती है, लेक्चर्स होते हैं, मीटिंग कॉन्फ्रेंस होती है, इंटरव्यूज़ हैं, टेलीफोनिक टॉक हैं, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन है, है ना, सोशल अफेयर्स हैं, सेमिनार्स, रेडियो, टेलीविज़न, ये क्या है, बेसिक जो ओरल कम्युनिकेशन की फॉर्म है, है ना। तो इस तरीके से ये हमारी फॉर्म्स हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा आता है रिटर्न कम्युनिकेशन। आप देखिए रिटर्न कम्युनिकेशन क्या है, कि जब रिटर्न फॉर्म में कुछ लिखकर मैसेज कन्वे किए जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन। अब देखिए जो उसके डिसएडवांटेज थे वो उसके एडवांटेज होंगे। सबसे पहला, सूटेबल फॉर लेंथी मैसेजेस, कि जो मैसेज बहुत लंबे हैं पढ़ना, मतलब जो है वो उसके लिए ओरल देना पॉसिबल नहीं है, तो फिर लेंथी मैसेज के लिए क्या सूटेबल होता है, रिटर्न। रिटर्न प्रूफ, कि कुछ पॉलिसी मैटर्स हैं, कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जिनके लिए रिटर्न प्रूफ की ज़रूरत है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, उसके लिए भी रिटर्न कम्युनिकेशन किया जाता है। क्लियर मैसेज, है ना, जैसे उसमें था कि डाउट रह जाता है कई बार, तो रिटर्न मैसेज आपके पास आया, आपने एक बार पढ़ा, समझ में नहीं आया, आप उसको दोबारा पढ़ सकते हो, तीसरी बार पढ़ सकते हो। लेस एक्सपेंसिव मैथड, कि सपोज़ आपने डिस्टेंट प्लेसेस पर भेजना है तो डिस्टेंट प्लेसेस पर ओरल कम्युनिकेशन तो महंगा हो जाता है, लेकिन रिटर्न जो है वो लेस एक्सपेंसिव होता है। टाइम सेविंग, कि इसमें आपको कन्वर्सेशन नहीं करनी, सीधी फॉर्मल आपने जो भी काम करना है वो काम आप बता सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ बोथ पार्टीज नॉट नेसेसरी, जो उसका ड्रॉबैक था कि दोनों पार्टीज की प्रेजेंस जरूरी थी, ये प्रेजेंस जरूरी नहीं है। ट्रू एंड इफेक्टिव, है ना, कि ये जो मतलब इफ़ेक्टिव सोर्स है, इसमें जो सेंडर है वो सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है रिटर्न प्रूफ के साथ, सामने वाला रिफ्यूज़ नहीं कर सकता।
एंड कम्युनिकेशन एट डिफरेंट प्लेसेस, कि एक साथ डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर मैसेज जो है वो कन्वे हो सकते हैं। उसके बाद देखो इसके डिसएडवांटेज, इट्स अनफिट फॉर अनएजुकेटेड पर्सन, कि अगर वो इलिटरेट है, अनएजुकेटेड पर्सन है तो उसके लिए वो फिट नहीं है, है ना, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। एंड लैक ऑफ सीक्रेसी यहाँ पर भी है कि सपोज कोई मैसेज आपने कन्वे किया रिटर्न में, तो वो कई लोगों के हाथ से होकर गुजरेगा, जब वो कई लोगों के हाथ से होकर गुजरेगा तो उसकी सीक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। बल्कि ओरल में आप उसको अलग से ले जाकर अलग से आप बात कर सकते हैं, उसको सीक्रेट रख सकते हैं। एंड इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि कुछ सारे जो फैक्ट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं होते, सारे पॉलिसी मैटर्स या रूल्स नहीं होते, है ना, तो सारी इन्फॉर्मेशन को अगर रिटर्न में भेजा जाएगा तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम एनर्जी एंड मनी। एंड नो क्विक इन्फॉर्मेशन अबाउट फीडबैक, कि आपको फीडबैक आने में भी टाइम लगता है, मैसेज जाने में भी टाइम लगेगा, फीडबैक आने में भी टाइम लगेगा। अब देखो ये कहाँ पर यूज़फुल है, जहाँ पर मैसेज बहुत लंबा हो, जहाँ पर कोई पॉलिसी मैटर हो, जहाँ पर जो रिसीवर है वो डिफरेंट हो, मतलब डिस्टेंट प्लेस पर हो और डिफरेंट हो, है ना, फॉर्मल आपको कोई मैसेज कन्वे करना है और जो मैसेज है वो परमानेंट नेचर का है, है ना, मैसेज में कुछ फिगर्स हैं, कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, एंड वट्स इम्पॉसिबल कि जब ये ऑरल कम्युनिकेट करना इम्पॉसिबल हो। तो ये पढ़ के देख लेना, ऑरल और रिटर्न का ये डिफरेंस आपको दिया हुआ है, वही पॉइंट्स हैं जो भी हमने पढ़े एडवांटेज और डिसएडवांटेज में।